मैं मुकेश सर, आप सभी लोगों का यूनिक निभारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोगों का सीरीज चल रहा है अभी मैथ का सुइया। और पिछले दिन यानी पार्ट वन में मैंने आपको बतलाया था कि इस नाम का उद्देश्य क्या है। इस नाम का उद्देश्य है कि एक ही फॉर्मूले से भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम लोग सीख रहे थे। तो पिछले क्लास में यानी पार्ट वन में हम लोगों ने एक चीज सीख लिया था कि अगर दो क्रमागत प्रतिशत वृद्धि है एक्स परसेंट और वाई परसेंट का, तो टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट जो होगा, वृद्धि जो होगा, वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका परसेंटेज का होता है, प्रॉफिट लॉस का होता है, डिस्काउंट का होता है, मेंसुरेशन का होता है, और उसी सारे चीज पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो पार्ट वन के बाद आज हम लोग इस पार्ट टू में, मैथ के सुइया पार्ट टू में, उसी फॉर्मूले से फिर अलग अलग क्वेश्चन। पिछले दिन मैंने आपको 12-13 क्वेश्चन बतलाया था, फिर आज 12-13 क्वेश्चन करूंगा जिसमें से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन हो यहाँ बनाए जाएंगे, जैसे इसमें आ जाएं। और इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो पहले फॉर्मूला एक बार हम फिर से आपको लिख देते हैं। फॉर्मूला जो यूज कर रहे थे हम लोग, जिसका नाम हम लोग यहाँ सुई के रूप में ले रहे हैं, कि दो क्रमागत वृद्धि x परसेंट और y परसेंट का है, तो टोटल वृद्धि जो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% का होता है। इसी में आपको बताया गया है कि यदि वृद्धि के बदले कमी होगी तो प्लस के जगह माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज आपको बतलाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो पार्ट वन का शुरुआत में देख लीजिएगा, तो वहां सब कुछ बताया गया है, उस पर क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल आज हम लोग फिर से करेंगे आज के सारे क्वेश्चन पे। तो सब क्वेश्चन आपका बदला हुआ है, उस क्वेश्चन को जैसे यहां देखें, क्या दिया हुआ है, गोला स्फीयर। स्फीयर अगर देखें, आपको पिछले दिन सर्किल पे भी काम करके सिखलाए थे कि आपका सर्किल हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए, रेक्टेंगल का भी क्वेश्चन बना हुआ था, स्क्वायर का भी क्वेश्चन बना हुआ था, आज स्फीयर का क्वेश्चन है। केवल इसको देखना है क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या, और इसको देखना है क्या लिखा हुआ है, आयतन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर है तो किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला हम लोग देखें तो क्या लिखते हैं, 4/3πr³। हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब केवल इससे है, क्या लिखाता है वहां, r³। कहने का मतलब हुआ r into r, यानी r कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार। इस चीज को केवल आपको समझना था, यानी आपको 3 बार बढ़ाना है। अब 3 बार बढ़ाने के लिए कैसे आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी पिछले क्लास में बतलाया हुआ है आपको, कि पहले हम 2 बार तक काम करेंगे, यानी 10 + 10 + 10 × 10/100। आप इस चीज को मौखिक भी कर सकते हैं, 10 10 20, और यहां 1 हो गया, तो इसका वैल्यू देखिए कितना आ गया, 21%। तो ये हुआ दो क्रमागत वृद्धि के लिए, दो रेडियस के लिए। लेकिन रेडियस कितना बार भाग लेता है, 3 बार भाग लेता है। तो फिर से यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक्स के बदले कितना इस्तेमाल कर लेना है, 21। तब देखिए यहां क्या लिखेंगे, 21 प्लस फिर क्या लिखाएगा, 10, और प्लस में क्या लिख लेंगे, 21 × 10, और बटे में कर लेंगे 100, तो 31, और प्लस में आ गया 2.1, और इसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपका आंसर देखिए आ जाता है कितना, 33.1%। तो इसका आयतन जो बढ़ेगा वो कितना हो जाएगा, 33.1%। इस तरीके से आप आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और इस तरीके का देखें, शेप बदल गया। जैसे यहां देखिए क्या लिखा हुआ, लंब वृत्ताकार शंकु कोन, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। तो कोन में क्या क्या है, देखिए रेडियस है और ऊंचाई। अब ये देखना है, यहां भी किसके बारे में पूछा गया है, आयतन। आयतन क्या होता है, 1/3πr²। हमको 1/3π से कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म से मतलब नहीं है, मतलब इससे रखना है परसेंटेज के लिए, r²h। r कितना बार है, 2 बार। h कितना बार है, 1 बार। रेडियस का जो डाटा है उसका काम 2 बार करेंगे, हाइट का जो डाटा है उसका काम 1 बार करेंगे। आ जाए तो अब यहां से हम लोग सीखें, क्या कहा, दोनों में 20% की वृद्धि। तो रेडियस अगर 20% बढ़ रहा है तो क्या आप लिखेंगे, x प्लस वाई के बदले भी सेम टू सेम,
अब प्लस करेंगे देखिए 20 × 20/100 तो 20 20 40 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा तो देखिए क्या आ जाएगा आपको 44%। लेकिन ये तो केवल रेडियस का काम किए, रेडियस ही दो बार भाग ले रहा था, हमको ऊंचाई भी बढ़ा है, वो भी कितना बढ़ा है 20%। अलग भी हो सकता है, वो आगे क्वेश्चन देख लेंगे, पहले इसको सीखें। तो अब x के बदले फिर क्या आप इस्तेमाल करेंगे 44 प्लस में फिर क्या हो जाएगा 20 और प्लस में फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 44 × 20/100। अब ये 0 0 देखिए कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर आप देखते हैं तो ये 64 आ जाएगा, प्लस में आप करेंगे तो 8.8 आ जाएगा और इसको जब आप ऐड करेंगे तो 72.8% आ जाएगा, यानी उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बढ़ेगा वो कितना हो जाएगा 72.8%, यानी आंसर हो गया आपका डी। चलें अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दे दिया है बेलन, बेलन है और यहाँ देखें यहाँ हम लोगों का क्या दिया हुआ है आयतन। तो सिलेंडर में, सिलेंडर आप कहते हैं, बेलन हिंदी होता है, इंग्लिश इसका सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है r² h / r² h। हमको पाई से कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ भी इसी चीज़ से मतलब है, ये जो आपका है कॉन्स्टेंट टर्म है इसको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। तो क्या किससे मतलब है r² h से, रेडियस कितना बार 2 बार, हाइट कितना बार 1 बार, यानी 2 बार काम करेंगे रेडियस के डाटा का और 1 बार काम करेंगे हाइट के डाटा का। तो ये देखें आधार की त्रिज्या, रेडियस देखें, ये रेडियस हुआ, क्या लिख रहा है 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि है 2 बार काम करना है तो क्या क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, इसको अब आप मौखिक भी कर सकते थे, तो ये देखिए आ गया 21%। अब हाइट के बारे में क्या कहा गया 20% की कमी, तो कमी अगर है तो ये 21 अब एक्स हो गया और कमी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे माइनस, फिर यहाँ देखिए कितना लिखेंगे 20 और फिर प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है माइनस, और तब यहाँ लिखा आएगा 21 × 20 और बटे में कर लेंगे हम लोग 100। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 21 में 20 को घटाएंगे 1 आएगा, फिर माइनस आप करेंगे यहाँ क्या आ गया आपका 4.2, 21 × 2 = 42/10 यानी 4.2, तो +1 − 4.2 तो रिजल्ट आपका क्या आएगा −3.2%। माइनस साइन ये चीज़ आपको समझाए हुए हैं कि माइनस साइन जो है, माइनस साइन किसको शो करता है कमी को शो करता है, तो आंसर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 3.2% की कमी, जो कि देखिए यहाँ सी ऑप्शन नंबर में लिखा हुआ है। चले आगे क्वेश्चन में देखें, ये देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं कि सुई एक इलाज अनेक, तो पार्ट वन में बताए भी थे कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया, ऐसा इसलिए लिखा गया कि फॉर्मूला आपके पास मात्र एक है x + y + xy / 100, लेकिन आप भिन्न भिन्न टाइप का क्वेश्चन इससे बना रहे हैं। अभी मेंसुरेशन का क्वेश्चन देख रहे थे परसेंटेज बेस्ड, और यह देखिए आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन भी पार्ट वन में सीखे थे हम लोग। तो क्या लिखा गया, सामान खरीदने में 20% का धोखा और बेचने में भी 20% का धोखा करता है। धोखा कहने का मतलब क्या हुआ, लाभ कमाना, कोई आदमी धोखा देगा तो क्या करेगा प्रॉफिट कमाएगा, गेन करेगा, कुछ न कुछ वो बचाएगा। तो खरीदने में भी 20% धोखा और बेचने में भी 20% धोखा, तो कुल लाभ परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास है x + y + xy / 100, तो क्या क्या लिखेंगे आप 20 + 20 और प्लस में कर लेंगे 20 × 20/100। कैंसिल देखिए 0 0 कर लिए, 20 20 40 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया और इस तरीके से फिर देखें आपका आंसर जो आएगा क्या आएगा 44% 44%, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। चलें अगले क्वेश्चन में फिर चलते हैं, क्या कहता है खरीदने और बेचने में कम तौल, कम तौल करके क्या आप कमाएंगे लाभ कमाएंगे, और देखिए कितना 13% का आप क्या करते हैं उसको धोखा देते हैं, खरीदने में भी और बेचने में भी, खरीदना और बेचना, तो क्या क्या आंसर हो जाएगा 13 + 13 + 13 × 13/100। तो ये देखिए 26 यहाँ से लिखेंगे, +1.69 लिखेंगे,
ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 27.69% का लाभ हो जाएगा। तो आंसर हो गया 27.69%। चलें अगले क्वेश्चन में चलें, अगला टाइप में देखें क्या कहता है। ए ने एक वस्तु बी को बेचा 20% लाभ पर, बी ने सी को बेचा 15% की हानि पर, ए ने उसे बी को सी के क्रय मूल्य पर बेचा होता, यानी सी अभी जितना में खरीदा है, बी सी को बेचा है तो सी खरीदा है, तो सी अभी जितना में खरीदा है अगर उसी क्रय मूल्य पर ए बी को बेचता तो क्या होता। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, कहानी केवल एक है, 20% लाभ तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 20, फिर 15% हानि क्या लिखेंगे माइनस 15, और तब फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। आपके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए मात्र एक फॉर्मूला आपका चलता जा रहा है, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाय 100, और उसी में आपको बतलाए हैं कि अगर वृद्धि के बदले कमी होगा तो प्लस के जगह आपको क्या यूज कर लेना है माइनस। तो 20 में 15 घटाएंगे 5, ये देखिए 3, 5 में 3 घटाए 2%, रिजल्ट क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव के कारण देखिए क्या लिखाएगा, लाभ लिखाएगा, तो आंसर क्या लिखेंगे 2% का लाभ। एक ही फॉर्मूला अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को बनाया जा रहा है उससे आ जाए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 10% 20% दो क्रमागत छूट है, सक्सेसिव छूट, और इसका क्या निकालना है इक्विवेलेंट छूट निकालना है, समतुल्य छूट निकालना है, एकमात्र छूट देखिए समतुल्य वाला क्या है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बदले दिया जाने वाला आपका जो एक छूट होगा जिसको आप एकल छूट कह सकते हैं, या उसी को इंग्लिश में इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोला जाता है। अब यहां हम लोग देखें छूट का मतलब पैसे का बढ़ना की घटना, घटना कमी, छूट देंगे तो पैसा कम होगा। तो फॉर्मूला अगर गौर से देखें तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, लेकिन अब इसी के लिए छूट के लिए अगर देखें तो इस एक्स के बदले क्या लिखेंगे माइनस एक्स लिखेंगे, y के बदले क्या लिखेंगे माइनस वाई लिखेंगे, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स वाई बाय 100। अब इससे अगर माइनस आप कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहाँ होगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, और ये जो आप यहाँ माइनस साइन निकाले हुए हैं ये माइनस किसको शो करता है, कमी को, हानि को, छूट को। तो ये अगर माइनस साइन छूट को शो करता है तो यहां देखिए हम लोग का क्या था समतुल्य छूट। तो समतुल्य छूट के लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए आप अगर उसी फॉर्मूला को दूसरे रूप से लिखना चाहें तो इस माइनस के बदले देखिए क्या लिखे हम लोग छूट, और यहां क्या कर लिए हम लोग एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। ये नहीं आपको सोच लेना है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 वो वृद्धि के कंडीशन में था, यहाँ ध्यान रखेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा तो x प्लस वाई और क्या लिखना है माइनस एक्स वाई बाय 100। मूलतः तो यही फॉर्मूला था, हम फॉर्मूला आपको डिटेल बता दिए कि आखिर ये माइनस कहाँ से आया, और इस माइनस के बदले देखिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं छूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का यहाँ लिखाता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। तो थोड़ा डिस्काउंट का क्वेश्चन था, फॉर्मूला तो वही है, थोड़ा सा टेक्निक बदला था यहाँ आ जाए। अब आप क्वेश्चन को बनाते चलें फटाफट फटाफट, देखिए क्या दिया हुआ है 10% और 20%, तो क्या क्या आप करेंगे 10 + 20 माइनस 2 कर लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 28%। तो डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन में देखिए लिख भी देते हैं 10 + 20, और यहाँ हम लोगों को माइनस कर लेना है 10 × 20/100, ये 0 0 तो देखिए कैंसिल हो गया, 30 और माइनस में कितना है 2, 30 में 2 को घटाएंगे आंसर देखिए क्या आ जाएगा 28%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन इस तरीके से है। फिर देखते हैं 10% 40%, तो 10 + 40 क्या लिख लेंगे 50, अब डायरेक्ट ऐसे लिखना सीखिए, फिर क्या कर लेना माइनस 10 × 40/100, तो 10 × 40/100 जीरो गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 4, 50 में 4 को घटा देंगे देखिए आंसर क्या हो गया 46%। अगले क्वेश्चन में चलें, अब देखें यहाँ क्या कह रहा है अंकित, बोल ए परसेंट और बी परसेंट की दो क्रमिक छूट है, अकेली छूट, अभी फॉर्मूला ये आपको है एक्स और वाई पर डिस्कस करके बताए हुए थे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए अगर एक्स परसेंट और वाई परसेंट का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, क्रमिक छूट दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए क्या फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, वहीं एक्स के बदले यहाँ क्या क्या लिख दिया ए
और यहाँ क्या है बी, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। तो देखें कहाँ लिखा हुआ, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100%। फॉर्मूला डायरेक्ट, ये भी आप देखें तो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है, तो फॉर्मूला कहाँ से आया वो आपको दिखला दिए थे, क्वेश्चन भी वैसा एक एग्जाम्पल भी बतला दिए। आइए अगले क्वेश्चन में फिर से चलें। क्या कहता है, सेट के मूल्य पर 10% की छूट जाती है, पुनः छूट वाले मूल्य पर 10%। तो पुनः जब छोड़ते हैं, छूटे हुए मूल्य पर छोड़ते हैं, उसी को तो क्रमिक छूट कहा जाता है। तो दोनों के बदले 10% है, 10% है, क्या क्या लिखेंगे, 10 + 10, और यहाँ क्या करना है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। तो ये 0 0 देखिए आप कैंसिल हो जाएगा, 20 - 1 करेंगे, रिजल्ट देखिए कितना होगा 19% का। तो आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 19%। चले अगले क्वेश्चन में देखें। अब यहाँ देखिए तीन छूट दे दिया है, तीन छूट के लिए काम अलग अलग तरीके से भी, आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का जानते हो, फ्रैक्शन से निकलता है, रेशियो से निकलता है, डिटेल भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यूज करना है एक ही फार्मूला, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। उसके पीछे भी फार्मूला जो छुपा हुआ था वो कौन था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। लेकिन छूट में एक्स वाई वाला टर्म क्या हो जाता था, निगेटिव क्यों होता था, वो पीछे हम लोग सीखे। आइए तो पहले अगर तीन रहेगा तो क्या करेंगे, पहले दो का काम कर लेंगे, जैसे इसी दोनों का काम करें, 20 + 10 क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 × 10 बटे 100 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 30 - 2 किए तो ये कितना हो गया 28। आप ऐसे काम करें, अब क्या करना है 28, और किसका काम करना है 5 का, x के बदले यूज कर लेंगे हम लोग 28, y के बदले यूज कर लेंगे हम लोग 5, और फिर से वही फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या क्या हो जाएगा 28 + 5 - 28 × 5 / 100। 28 में 5 को आप जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, माइनस 140 / 100 करेंगे 1.4 आ जाएगा, 28 × 5 = 140 / 100 तो 1.4 हो गया, और 33 में अगर 1.4 को आप घटा लेंगे तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, 31.6%। तो आंसर देखिए हम लोगों का हो गया 31.6%। चलिए उसी प्रकार अगला क्वेश्चन फिर देखें, फिर ये तीन वाला है, देखिए 15% और 20% और 25%। पहले इस दो का काम कर लें, या इस दो का, किसी दो का काम कर सकते हैं, जो दो इच्छा है, इस दोनों को ले लें, इस दोनों को ले लें, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस दोनों को ले लिए तो 15 और 20 देखें कितना हो जाएगा 35, माइनस करेंगे आप, क्या क्या लिखना है, 15 × 20 / 100, 15 × 20 = 300 / 100 करेंगे यानी 3, तो रिजल्ट देखिए आपको कितना दिया 32%। अब इसको क्या करना है, x मान लेना है, y के बदले क्या इस्तेमाल करना है, 25 इस्तेमाल करना है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 32 + 25 माइनस में करेंगे 32 × 25 बटे में कर लेंगे हम लोग 100। इस दोनों को अगर आप ऐड करते हैं क्या रिजल्ट आपको मिलेगा 57, 5 × 2 = 7 हो जाएगा, 3 × 2 = 5 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 25 से देखें ये 4 बार में कैंसिल, 4 से ये 8 बार में कैंसिल, तो यहाँ लिखेंगे 8 और घटाने पे आंसर आएगा 49, तो आंसर आप लिखेंगे कितना 49%। तो इस रूप से हम लोग देखें, अब एक और क्वेश्चन हम लोगों के पास है, यहाँ क्या कहा, एक कंपनी ने तीन प्रकार के क्रमवार बट्टे दिए, एक कंपनी तीन प्रकार का बट्टा, या तो ये देता है, या तो ये देता है, या तो ये देता है, आपको क्या निकालना है, किस ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, यानी इस तीनों ऑफर में से ग्राहक के लिए कौन ज्यादा फायदेमंद होगा, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा, ग्राहक के लिए अच्छा कौन, जिसमें छूट ज्यादा मिलता हो। अब छूट ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए देखें अलग अलग क्रमिक बट्टा दिया हुआ है, आपको क्या करना होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना होगा। तो इसका अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम निकालें तो 25 और 15 को आप ऐड करेंगे क्या होगा 40, माइनस में करेंगे 25 × 15 और बटे में कितना करेंगे 100, तब 25 × 15 अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा 325, 325 आ जाएगा, या 375 आ जाएगा, 25 × 15 करेंगे तो ये देखें 25 × 5 = 125, रेस्ट 12 हो जाएगा, और 25 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37 है, 375, तो 3.75।
अब इसको अगर हम लोग घटा दें 40 में, अगर इसको घटाएंगे तो रिजल्ट जो हम लोगों को मिलेगा 36.25% मिल जाएगा। दूसरा में चलें, क्या है 30 और 10, तो 30 और 10 फिर देखिए क्या हो जाएगा 40, और माइनस में इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 300/100 यानी 3, तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या मिला 37%। इसमें चलें 35 और 5 को अगर देखें तो 35 और 5 फिर क्या हो जाएगा 40, माइनस करेंगे आप 35 गुना 5, तो 35 गुना 5 कितना हो जाएगा 175, बटे में 100 करेंगे यानी 1.75। अब इसको अगर देखा जाए तो 40 में अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 38.25। तो यहाँ था 36.25%, ये था 37%, और ये कितना है 38.25%। तो ग्राहक के लिए फायदेमंद कौन, जो ज़्यादा बट्टा दे, ज़्यादा छूट दे। ज़्यादा छूट कौन दे रहा है, ये तीसरा वाला, तो तीसरा वाला दे रहा है। तो आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तृतीय प्रस्ताव। वैसे इस क्वेश्चन के लिए देखें एक चीज़, ऐसा इस रूप से तो आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ देखें 25-15 कितना 40, 30 और 10 कितना 40, 35 और 5 कितना 40। सबको जोड़ने पर अगर सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है तो केवल आपको ये ध्यान रख लेना है कि जिसके दोनों डाटा में डिफरेंस ज़्यादा होगा वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, केवल ये सोच लेना है। जैसे यहाँ देखें डिफरेंस कितने का 10 का, यहाँ देखें कितने का 20 का, और यहाँ कितने का 30 का। ज़्यादा डिफरेंस किस में, तीसरा में, फायदेमंद कौन हुआ, तीसरा वाला। क्वेश्चन को बनाना ऐसे था, हम एक्स प्लस वाई से बनाए, वो इसलिए बताए आपको कि अगर ये ऐड करने पे सेम टू सेम नहीं आएगा तो आपको इस तरीके से काम करना होगा। तो हम लोगों का जो चल रहा है मैथ का सुइया, जिसमें हम लोग अभी एक ही सुई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 पे काम कर रहे हैं, और अभी एक पार्ट तक और चलेगा जिसमें आपको हम स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना इसी टेक्निक से सिखाएंगे। तो अगले बार जो हम लोग अगला वीडियो पार्ट 3 का देखेंगे तो उस पार्ट 3 में मैं आपको बतलाऊंगा कि इस टेक्निक का इस्तेमाल, इस सुई का इस्तेमाल, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 का इस्तेमाल कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे किया जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में, और CI पढ़ते हैं। धन्यवाद।